थोड़ी देर विश्राम कर लेते, मामा साहब कहने लगे नहीं, हमने बड़ौदा के राजा को वचन दिया था, रमा तुझे नहीं मालूम, किसी आदमी को वचन दे दो तो निभाओ और नहीं तो वचन दो ना, क्यों भाई, 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 भाई। किसी को अगर वचन दिया है तो उसे निभाओ और नहीं तो वचन दो ना। मामा साहब कहने लगे रमा तुझे नहीं मालूम, बड़ा बोझ हमारे ऊपर है, बड़ौदा के राजा हमें आज 6-7 सालों से पढ़ा रहे हैं, हम अमरीका पढ़े थे, लंदन पढ़ने के लिए गए, अब बड़ौदा के राजा ने हमें वजीफा देना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारी पढ़ाई बंद हो गई। तो ये बोझ जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमने वचन दिया था कि 10 साल तुम्हारे नौकरी करूंगा, तो रमा अगर हम नहीं गए तो हम तो अपनी नजरों में गिर जाएंगे, क्योंकि हमने बड़ौदा के राजा के साथ शपथ उठाई है कि हम तुम्हारे यहाँ 10 वर्ष नौकरी करेंगे, और अगर हम अपने वादे के मुताबिक नहीं पहुंचे तो अपने आप को हम खुद माफ नहीं कर पाएंगे। एक बात बता दूं भाई, लोगों को कभी ने कहा था जो ढोकर से गिर जाता है और उसे ठोकर लग जाएगी जाओ कौन उठा लेगा, तो भागी गया, तो ये कभी कहते हैं क्या जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो सजनों से गिर जाता है उसे कोई नहीं उठाता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे रमा हमारी बात मान जाता, हमें पानी पीना मुनासिब नहीं है गिलास, जब तक हम बड़ौदा के राजा को अपनी शक्ल न दिखा दे टुकड़े करते रहना, टुकड़े करते रहना, नहीं बना देना भाइयों बहनों। बाबा साहब अम्बेडकर आज बड़ौदा के राजा के पास गए, कहने लगे बड़ौदा नरेश हम तुम्हारी सेवा में हाजिर। बड़ौदा के राजा ने देखा, मुस्कुराए, कहने लगे आ गए, तुम तो हमें लग रहा था कि भूल ही गए। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे नहीं, मुझे अपना किया हुआ वादा अच्छी तरह से याद है, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है। बड़ौदा के राजा ने कहा तुमने क्या पढ़ाई थी, जब विदेश में तुम छात्रवृत्ति लेके गए तो तुमने वहां जाकर क्या पढ़ाई करी,
बाबा साहब ने अपनी डिग्री जो अमेरिका से और लंदन से लेके आए थे, पीएचडी की डिग्री, डीएससी की डिग्री, वो डिग्री बड़ौदा के राजा के सामने मेंट हो रखते। तो बड़ौदा के राजा ने जब बाबा की डिग्री देखी तो बड़ौदा का राजा चकरा गए कि जो पैसा हमने अम्बेडकर को पढ़ने के लिए दिया था ये पैसा बेकार नहीं गया, तो सफल हो गया। एक बात और बताता चलूं माताओं बहनों, जब तुम्हारे पास धन है अपनी आमदनी के हिसाब से, या धन को समाज में खर्च भी करना चाहिए। भगवान बुद्ध की 10 पारमिताएं हैं, तो बुद्ध की पहली पारमिता है दान पारमिता। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या समाज में खर्च करना चाहिए। किसी दीन दुखी गरीब निर्बल कमजोर की मदद करने, पंडा को शनिचर बुझवे बनाए। हमारे देश में लंबे लंबे ढोंगी 11 रुपया में ग्रहों की चाल बदल लेते। ये रहाई जमीन पे अब सूर्य की गति बदलते हैं। हाँ, सूर्य गति, चंद्र के चाल बदल लेते, गुरु गड़बड़ हो तो ठीक कर देते, शनि बकरी हो तो 21 रुपया में शांत हो जाए। ये तो ग्रह है, ब्रह्मांड में स्थित है, दूर लाखों किलोमीटर पृथ्वी से दूर है, तो 11 रुपया में ग्रहों की चाल सही करते। ये 51 रुपया में लक्ष्मी तुम्हारे घरे पूरी जिंदगी बैठी रहता हूँ। जय जय। संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है कि देश में पाखंड नहीं होगा। यानंदलाल जो कथा कहते हैं इस संविधान के अनुच्छेद 51 से कहते हैं, हमारे लोगों को तमीज है नहीं, संविधान पढ़े नहीं 2 दिन अपनी जिंदगी में। जब पढ़ने लिखने वाले नहीं थे तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जब पढ़ने लिखने वाले हो गए तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। भाइयों बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर की डिग्री को जब बड़ौदा का राजा ने देखा तो बड़े खुश हुए, और बाबा साहब को डिप्टी अकाउंटेंट का पद बड़ौदा के शासन में दे दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर गरीबों को मसीहा, नारी जीवन को मुक्ति दाता, पिछड़ों के भाग विधाता या देश के संविधान निर्माता, बड़ौदा के राज्य में सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे। अब पूछो काहे के बदौलत, कोई पूजा पाठ की बदौलत, कोई अगरबत्ती मोमबत्ती की बदौलत, कोई धूप बत्ती की बदौलत, कोई ये भी होम हवन की बदौलत, ना ना, अपनी विद्वता की बदौलत, अपने ज्ञान की बदौलत आज बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के राज्य में सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं। तो बाबा बैठ तो गए ऊंची कुर्सी पे माताओं बहनों, लेकिन जो ऊंची जाति के लोग वहाँ कर्मचारी थे वो जल करके राख हो गए। अब गजब हो गया, भगवान अब क्या होगा, धरती पलट जाएगा। तो नीची जाति में पैदा हुआ अम्बेडकर, ये हमारा हाकिम बन गया, कर्मचारी अधिकारी बना बैठा, और जाति के ब्राह्मण मगध चपरासी और जाति के महान अम्बेडकर ऊंची कुर्सी पे बैठे, हजम कैसे हो।